अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. टुडे वी विल डिस्कस पेज नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर बी ऑफ यूनिट नंबर 7, ज्योमेट्री. क्वेश्चन नंबर बी इज ड्रॉ एंड लेबल ईच फिगर. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, तो और आज हमने बुक वर्क भी किया था, तो आज आपने उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने ये चीज़ें आज ड्रॉ करनी है और उसको लेबल भी करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? आई हैव रेडी दिस पेज, यू कैन सी हेयर बी क्वेश्चन. सबसे पहले आपका जो पार्ट नंबर 1 है, रे ड्रॉ करना है बी सी का. तो आपने इसके लिए कैसे रे ड्रॉ करना है, आपने एक 5 to 6 बॉक्स की लाइन बनानी है. ठीक है, थोड़ी डार्क कर लीजिएगा. इस साइड पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, डॉट मेंशन करते हैं. इस साइड पर एंडिंग पॉइंट है. ये क्या है, रे बी सी. इसको नाम, अब लेबल का मतलब आपने इसको लेबल कैसे करना है. स्टार्टिंग पॉइंट पहले क्या दिया हुआ, बी. सो आपने यहाँ पे लिखना है बी और इस साइड पे क्या लिखना है, सी. अब लेबल आपने कैसे करना है, रे बी सी और इसके ऊपर आपने छोटा सा ये बनाना है. यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले. नेक्स्ट है पॉइंट क्यू. तो पॉइंट बहुत आसान है, आप पॉइंट लिखाएं. ये आपका क्या है, पॉइंट क्यू. आपका यही आ जाएगा आंसर में, पॉइंट क्यू. नेक्स्ट है लाइन आर टी. अब लाइन आप कैसे बनाते हैं बेटा, लाइन में आपको बताया गया था कि लाइन एक कंटिन्यूस एंडलेस स्ट्रेट पाथ है, तो आप उसे ऐसे ड्रॉ करेंगे. दोनों साइड पर क्या आ जाएगा, एरो. क्या है इसका ना, एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस वजह से हम एरो मेंशन करेंगे. और ये है टी, तो इस पर आप लिखेंगे लाइन आर टी और इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन बनेगी. क्लियर? लास्ट है आपका लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट आपने लाइन की तरह ड्रॉ करना है. इसके दोनों साइड पर क्या आएगा, डॉट. और इसकी एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सी, और एंडिंग पॉइंट क्या है, डी. क्लियर? अब ये आपका बन जाएगा लाइन सेगमेंट सी और इसके ऊपर लाइन. क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.